कुछ सेफ्टी मेजर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड हैं, लोग उनको काफ़ी इग्नोर करते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले आता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी कार में है। अभी आप जो वीडियो क्लिप्स देखेंगे इनमें आपको समझ आ जाएगा कि सीट बेल्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये फर्स्ट क्लिप है, इसमें कार एक माइनर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई है। ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना है इसलिए वो अब खुद को और कार को कंट्रोल कर पाया है, लेकिन पीछे बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना था, इसकी वजह से उनको काफ़ी इम्पैक्ट फील हुआ है। आपने देखा होगा जो लेफ़्ट साइड में अंकल बैठे हैं वो कैसे अपनी जगह से उछले और वो सामने एकदम आके ड्राइवर सीट से टकरा गए, तो ये काफ़ी फेटल हो सकता है। सेकेंड केस में देखें आप, ड्राइवर और उनके पीछे बैठी लेडी ने सीट बेल्ट पहना है लेकिन साथ में जो दूसरी लेडी है उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना। अगेन एक एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर और उनके पीछे बैठी हुई लेडी को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, वो अपनी जगह पर सेफ है और ड्राइवर कार को कंट्रोल भी कर पाता है, लेकिन जो लेडी हैं उनका सर आके ड्राइवर के पीछे लगी सीट में टकराया है और आप उनकी हालत देख ही सकते हैं। तो अगेन सीट बेल्ट ने ही इन दोनों को प्रोटेक्शन दी है जबकि लेडी काफ़ी ख़राब हालत में है। और ये फाइनली आप देखें, इसमें ड्राइवर अकेला है गाड़ी में, सीट बेल्ट नहीं पहनी है, अब अगेन कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस सीट बेल्ट नहीं पहना है इसलिए ड्राइवर खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, आप देखेंगे कि वो कैसे पूरी गाड़ी में उछला है और इवेंचुअली कार भी आउट ऑफ कंट्रोल होके आई गेस पलट गई है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कार में बैठे सारे पैसेंजर सीट बेल्ट पहने, इससे सबकी सेफ्टी इंश्योर होती है। तो सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी को ऑलमोस्ट 2x से मल्टीप्लाई कर देता है। चाहे आप इसे एक्सीडेंट के टाइम पे चाहे कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो या फिर नॉर्मली भी, सीट बेल्ट आपको काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेक लगाते हैं, अचानक से आपको किसी भी वजह से ब्रेक लगाना पड़ता है, तो सीट बेल्ट आपको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज कभी भी अगर अब्रप्ट ब्रेकिंग होती है तो आप, अगर सीट बेल्ट आपने नहीं पहना होगा तो आपकी बॉडी की मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, आगे को रहेगी और आप जाके अपने विंडशील्ड में लगेंगे या फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप आगे जाके या तो आप ड्राइव कर रहे हो तो स्टेयरिंग में या विंडशील्ड पे लग जाएंगे, या चाहे आप साइड में बैठे हो पीछे बैठे हो, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है। और सेम है एक्सीडेंट में भी, क्योंकि एक्सीडेंट में आप एकदम अब्रप्ट हॉल्ट पे आ जाते हैं किसी भी चीज़ से टकराने के बाद, तो सीट बेल्ट वहाँ भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आप ये एनकैप टेस्टिंग के कुछ वीडियोस देखें तो आप देखेंगे सीट बेल्ट और विदाउट सीट बेल्ट में कितना डिफरेंस आता है, जब किसी भी कंडीशन में कार किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि कार इतनी तेज़ी से जाके वॉल में टकराती है और उसमें काफ़ी डैमेज हो जाता है। पहले तो आप देखेंगे पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहना तो उसमें कितनी ज़ोर से वो जाके पूरी कार में टकराता है। सेकंड इंसिडेंट में दोनों ड्राइवर और पैसेंजर ने सीट बेल्ट पहना है और दोनों को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन अगर पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं पहनता तो ड्राइवर की प्रोटेक्शन भी यूज़लेस हो जाती है क्योंकि पैसेंजर उसको भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। और फाइनली देखेंगे अगर दोनों ये चीज़ें पहने तभी इसका रियल पर्पस सॉल्व होता है, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम सीट बेल्ट को हमेशा पहने रखें, और ये खाली सामने के पैसेंजर्स के लिए नहीं है, ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए नहीं है, ये पीछे बैठे लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी लोग इसका यूज़ नहीं करते अगर पीछे बैठे हो। तो सीट बेल्ट सिर्फ और सिर्फ सामने के लोगों को सेफ्टी के लिए नहीं बनाया गया। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, कार में उतने ही सीट बेल्ट दिए जाते हैं जितनी उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, सो दैट ये सबको प्रोटेक्ट करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल है कि हम सीट बेल्ट को हमेशा हमेशा यूज़ करें। तो
ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है जो लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। थैंकफुली ओवर द इयर्स फ्रंट में बैठे लोगों का सीट बेल्ट पहनना थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, मोस्टली जो मुझे लगता है क्योंकि इस पे चालान होता है अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो, इसलिए लोग अब पहनना शुरू कर दिया है लोगों ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इंडियन ट्रैफिक पुलिस पीछे बैठे हुए लोगों का सीट बेल्ट पे कोई बात नहीं करती, उनको कोई इशू नहीं है पीछे अगर सीट बेल्ट पहना भी है या नहीं भी पहना, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। उस पर भी उसकी भी इम्पॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। आप ये एनकैप की वीडियो दोबारा देखें, इसमें देखिए अगर पीछे बैठे पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहना तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है इवन आपके लिए जो आप आगे बैठे, क्योंकि पीछे बैठे पैसेंजर एकदम फोर्स से आके आपके पीछे आपकी सीट पे लगेंगे और आप काइंड ऑफ आपकी सीट क्रश करेगी, तो कोई मतलब नहीं बनता आपने पहना और पीछे बैठे पैसेंजर ने नहीं पहना। तो प्लीज़ सीट बेल्ट का यूज़ करें, आगे हो पीछे हो कहीं भी बैठे हो आप। और सेम चीज़ है अगर गाड़ी में कोई बच्चा है तो उनके लिए ये सीट बेल्ट इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये अडल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप चाइल्ड सीट लगवा लें बच्चे के लिए, तो उससे बच्चे को भी सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि ये सीट बेल्ट उतनी प्रोटेक्शन बच्चे को नहीं देंगे। इसमें से यहाँ से बाहर आ जाएगा बच्चा, तो इसका डिज़ाइन ही अडल्ट्स के लिए है। तो इस पे मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। आप बाहर जाएं, किसी भी देश में जाएं, आप देखेंगे कि सीट बेल्ट्स को कितने रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बारे में बात करी थी कि एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स में इंडिया सबसे ऊपर क्यों है। 10% ग्लोबली कंट्रीब्यूट करता है इंडिया एनुअल डेथ्स में जो कि एक्सीडेंट से होने वाली हैं, और उसका कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि हम सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते जो हमारी कार में दिए गए हैं। हम उनका काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, और उसकी वजह से वो हमें फिर वो प्रोटेक्शन मिलती नहीं है। इवन दो हमारी कार 4-5 star रेटेड रहती है, फिर भी उसके बाद भी हमें वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।